डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे जो अपने हर लेवल पे, चाहे डिग्री हो, पीजी हो या किसी भी और एग्जाम्स में काफ़ी यूजफुल है। और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी अगर हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन में किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद उस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर अगर हम फर्दर कोई दूसरा ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस करें तो वो जो ग्रुप दूसरा इंट्रोड्यूस हम करेंगे वो पहले से प्रेजेंट ग्रुप के किस पोजीशन पे जाता है, ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे। इन सब का अगर हम डिस्कशन करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो ये कहलाता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बेंजीन की एक रिएक्शन कराई, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और मान लीजिए हमने नाइट्रेशन कराया तो नाइट्रोबेंजीन बनी, और इसी तरह से बेंजीन की हमने फ्रिडलक्राफ्ट्स एल्काइलेशन कराया तो एक एल्किल बेंजीन बनी। अब अगर हम ये जो नाइट्रोबेंजीन बनी और एल्किल बेंजीन बनी, इसका फर्दर आगे हम वापस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तो अब जो है ये जो ग्रुप हमने लगा दिए, नाइट्रो ग्रुप और एल्किल ग्रुप, इन ग्रुप के लगने से जो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। जब हम नाइट्रोबेंजीन की फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो ये पता चलता है कि जो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी है वो बेंजीन की कंपैरिजन में कम हो जाती है, और जो एल्किल बेंजीन की रिएक्टिविटी है वो बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से ये दो तरह के ग्रुप होते हैं, दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक तरह के सब्स्टिट्यूएंट, इसको तो हम कहते हैं एक को एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, और दूसरे प्रकार का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। यानी जिन ग्रुप्स के लगने से बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, और जिन ग्रुप्स के लगने से बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है उसको हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये जो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, अब अगर कोई दूसरा ग्रुप रिंग में इंट्रोड्यूस होता है तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो आने वाले दूसरे ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर उसको सब्स्टिट्यूट कराते हैं। और अगर बेंजीन रिंग पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग रहा है तो अब कोई दूसरा ग्रुप हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस दूसरे ग्रुप को ये पहले से प्रेजेंट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो रिंग पर मेटा पोजीशन पे उसको भेजता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप के होने से बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और मेटा जो डायरेक्टिंग ग्रुप अगर लग रहा है तो उसके लगने से बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो इस तरह से एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब हम यहाँ ग्रुप्स को थोड़ा सा मैं डिवाइड कर दूं, कुछ ग्रुप्स जो अपने को लर्न करने हैं, कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसको अपने को याद रखना है। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, दे आर NH2, NHR, NR2, ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसी तरह से OH ग्रुप, OR ग्रुप, O नेगेटिव, ये जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और एग्जांपल NHCOR, जैसे फॉर एग्जांपल
मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज में लेते हैं NHCOCl3। इसी तरह से एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप जैसे मैथिल एथिल और इसी तरह से एक फेनिल ग्रुप जो है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, या यही जो ग्रुप जो है वो एक रिंग को एक्टिवेट भी करते हैं, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहलाते हैं। इसी तरह से कुछ ग्रुप याद रखिए जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप हो गया, ट्राइफ्लोरोमेथिल CF3 ग्रुप हो गया, CCl3 ग्रुप हो गया, और इसी तरह से NR3 जिसपे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और एग्जांपल्स साइनाइड ग्रुप, CHO, COOH, SO3H, COOR and COR, ये जो ग्रुप्स हैं वो सारे मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। ये कुछ ग्रुप्स अपने को याद रखने हैं। इसके अलावा हमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन, एक कुछ ग्रुप्स और भी हैं जो हैलोजन ग्रुप्स हैं। तो जो हैलोजन्स होते हैं वो जनरली हैलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, पर ये जो है साथ के साथ क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो जो हैलोजन्स हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दे आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पर रिंग को जो है वो डीएक्टिवेट करते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है। तो इस तरह से ये कुछ ग्रुप अपने को लर्न करने हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग और हैलोजन्स के केसेस। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे है, कैसे एक्सप्लेन करें, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे है, उसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो इसके लिए हम एक जो यहाँ पे थ्योरीज है उसको डिस्कस करेंगे। दो थ्योरीज हैं जिसके हम अकॉर्डिंगली हम इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो पहली थ्योरी है वो हम कह सकते हैं इन ग्रुप्स के प्लस आई एंड प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट और एम का मतलब होता है मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं उनमें प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट होता है, और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उनमें माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट होता है। तो प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट शो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के लिए, और माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट यूज में लिया जाता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के लिए काम में लिया जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से NH2 ग्रुप को मैं बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये हो गया एनिलीन। तो एनिलीन में जो प्लस एम इफेक्ट है उसको हम शो करें, तो जो प्लस एम इफेक्ट होता है एनिलीन में उसको हम यूज इस तरह से एक्सप्लेन करें कि जो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर है
इसको यूज में लेके रिंग के कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तब जब उसी समय ये रिंग के जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। तो हम उस डीलोकलाइजेशन को शो करें, तो ये यहां डबल बॉन्ड NH2 नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे अपना लोन पेयर जो है इजीली नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज में ले लेता है, कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और तो उसी समय ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस कार्बन पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। रिंग पे अब ये दो पाई बॉन्ड रह गए। अब यहां से डीलोकलाइजेशन होगा, कार्बन जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या रेडिकल करेक्टर होते हैं, अगर उसका नेबरिंग कार्बन अनसेचुरेटेड है तो यहां से इन चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। तो इसको हम आगे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से शो कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए, तो सेम टाइम ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये दो बॉन्ड इसमें रह गए। अब यही आगे डीलोकलाइज होगा फर्दर स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड NH2, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां यूज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब फाइनली हम कह सकते हैं कैकुलेटेड स्ट्रक्चर और बन सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां और वापस जो है इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाए। इस तरह से ये प्लस एम इफेक्ट नाइट्रोजन का यहां पे शो होता है। अब अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को यहां पे देखें, तो ये जो NH2 ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप की ये दोनों पोजीशन जो है वो तो एक तो ऑर्थो हो गई, और ये जो पोजीशन है वो हो गई पैरा पोजीशन, और ये इसकी है मेटा पोजीशन। तो अगर हम इन स्ट्रक्चर्स में देखें, तो इस NH2 ग्रुप की जो ये है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है इस प्लस एम इफेक्ट के कारण। तो इसलिए अगर कोई, अब अगर हम इस एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, तो कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, वो यहां पे उस सेंटर पे जाके अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है वो NH2 ग्रुप की रिंग पे कौन सी पोजीशंस है, ऑर्थो एंड पैरा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से जाके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इसलिए ये जो NH2 ग्रुप हो गया, उस NH2 ग्रुप का जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हो गया वो क्या हो गया, ऑर्थो एंड पैरा हो गया। तो इसका मतलब ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जिसको हमने इसके कौन से इफेक्ट से एक्सप्लेन किया, प्लस एम इफेक्ट से एक्सप्लेन किया है। अब इसी तरह से हम एक माइनस एम इफेक्ट को यूज में लें। तो सपोज हमारे पास में बेंजीन रिंग पे एक ग्रुप लग रहा है COR। अब यहां पे
ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये बॉन्ड जो है पोलर है, पोलरिटी है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके नेगेटिव हो जाता है और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। जैसे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, ये रिंग के जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो रिंग के कार्बन पर आ जाती है। इसे हम कहते हैं इस ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट। तो ये यहां पे डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहां पे ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और रिंग में ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब हम वही वापस जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका नेबरिंग कार्बन अनसेचुरेटेड है, पाई बॉन्ड है, तो डीलोकलाइजेशन होगा। इसको हम इस तरह से शो करें, ये पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। और इसी को हम फर्दर फिर आगे उसी तरह से ले जाएं, एंड देन कैलकुलेट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो ये पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन वापस रिंग में इसकी एरोमेटिक करेक्टर को ले आएगा। ये इस तरह से इसमें माइनस एम इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो इस CO और RCO ग्रुप के कारण, इस माइनस एम इफेक्ट के कारण जो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन से, उन पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, वहां पॉजिटिव चार्ज आया। इसका मतलब अगर अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आके इस रिंग पर अटैक करेगा तो वो इन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये पोजिशंस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कंपेरेटिवली जो पोजिशन जहां पर यह पॉजिटिव चार्ज नहीं आया वो पोजिशन कौन सी रह गई, इस ग्रुप के मेटा पोजिशन रह गई। इसलिए अब इलेक्ट्रोफाइल जो आके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो मेटा पोजीशन पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो इसलिए ये जो ग्रुप हुआ, ये ग्रुप जो हो गया वो मेटा डायरेक्टिंग हो गया, या इस ग्रुप का डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस जो हुआ वो मेटा हुआ। तो इस तरह से हम प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट के कारण, इसके द्वारा हम जो है ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम यू भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने NS2 लिया, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हुआ जैसे इस तरह का COR, वो ग्रुप कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये एक जो है मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट है इन ग्रुप के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहीं पर एक और थ्योरी है जिससे हम इस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो है स्टेबिलिटी ऑफ एरिनियम आयन, कि जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो उससे जो एरिनियम आयन बनेगा उस एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी के बेस पर हम ग्रुप के ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां हम सबसे पहले एक ऑर्थो पैरा
डायरेक्टिंग ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे। तो वापस मैं यहाँ पे उसी एग्जांपल को या एक अब की बार यहाँ बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप को यूज में ले लेते हैं। फिनॉल, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है तो इसका OH ग्रुप का भी प्लस M इफेक्ट होता है। अब सबसे पहले हम यहां इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और मेटा पोजीशन पे, और बनने वाले जो एरिनियम आयन है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्थो अटैक लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। इस ऑर्थो पोजीशन पर अटैक से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसको हम एक्सप्लेन करें। या इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है और इसी कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जाके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज मैं कहता हूँ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन ने अपने पास में लेकर उससे इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। तो ये जो इसका नेबरिंग कार्बन था उस वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और रिंग में ये दो पाई बॉन्ड बने। अब इसके बाद में इसी पॉजिटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन्स में डीलोकलाइजेशन होगा। ये मान लीजिए जो पाई बॉन्ड है वो इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटके ऑल्टरनेट इस कार्बन पे जाके शिफ्ट हो जाता है। इसका सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उस पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड H और इलेक्ट्रोफाइल और ये OH। अब इसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स और फिर ये H और E और यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर अपीयर हो जाता है जिस कार्बन पर OH ग्रुप लग रहा है। ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर आएगा जिस पे OH ग्रुप का ऑक्सीजन ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है उसी समय ऑक्सीजन, हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन एटम अपने प्लस एम इफेक्ट को यूज में लेगा और इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई थी उसको ये जो है हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइज कर देगा और पॉजिटिव चार्ज खुद के ऊपर चला जाएगा और रिंग में ये दो पाई। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है इसका मतलब अगर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का तो उस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी की जो नेसेसिटी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए क्योंकि एक स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम ऐसे के ऐसे स्ट्रक्चर प्रिपेयर होंगे जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन सी पोजीशन पर होगा, पैरा पोजीशन पर होगा क्योंकि दोनों का सेम जो है वो होता है। अब अगर हम कंपेयर करें इस इलेक्ट्रोफाइल को हम अटैक करवाते हैं मेटा पोजीशन पे और फिर इन दोनों के बीच में हम कंपेयर कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम अगर मेटा पोजीशन पे कराएं तो इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे अटैक एट मेटा पोजीशन
H एंड E, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देन OH और रिंग पे ये दो पाई बॉन्ड। अब इसके बाद वही उसी तरह से हम डीलोकलाइज करें तो एक डिफरेंस आपको शो हो जाएगा इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर और यहां जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें। और वो डिफरेंस जो है हम यू कह सकते हैं, देखें इन दोनों पोजीशन पर अटैक से बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में वो यहां पर हमें शो हो रहा है। यहां पे हमें एक स्टेबल जो है स्ट्रक्चर मिल रहा था, यानी जो एरिनियम आयन बनेगा वो जब ऑर्थो पोजीशन पर अटैक होगा तो बनने वाला एरिनियम आयन एक स्टेबल होगा, जबकि यहां पर जब मेटा पोजीशन पर अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का तो इस तरह से कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बना। तो कंपैरेटिवली जो यहां पर एरिनियम आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक से बनने वाले एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी से कम होगी, तो इसलिए जो प्रिफर्ड पोजीशन हो गई अटैक की इलेक्ट्रोफाइल की वो हो गई ऑर्थो और इसी तरह से पैरा। तो इसका मतलब जो OH ग्रुप हो गया वो कैसा हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। तो इस तरह से हम एरिनियम आयन जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी के बेस पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस और मेटा को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जांपल हम एक उसी ग्रुप को लेते हैं COR, इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं। सबसे पहले हम वही एक ऑर्थो अटैक लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ एट ऑर्थो पोजीशन। तो अब यहां से जो स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसको हम इस तरह से शो करें। ये जो ग्रुप एज मैंने पहले कहा, ये जो COR ग्रुप है ये कैसा है, एक तरह से हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब जब और आगे हम इसमें रेजोनेंस शो करें पॉजिटिव चार्ज और रिंग में ये दो बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर फर्दर एच ई यहां पे एंड द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये एक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, तो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया जिस कार्बन पर ऑलरेडी कैसा ग्रुप लग रहा है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हाई एनर्जी का होगा या हम कह सकते हैं हाईली अनस्टेबल होगा। इसका मतलब जो एरिनियम आयन बनेगा उस एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी और भी कम हो गई, यानी उस एरिनियम आयन को बनने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। अब हम कंपेयर कर लें मेटा पोजीशन पर हम अटैक करवाते हैं, तो क्या इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो हम यहां पर बताते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम कराएं मेटा पोजीशन पे, बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मैं कहता हूँ यूज में हो गए, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग में दो पाई बॉन्ड, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है। अब इसके बाद में फर्दर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गए, तो वापस अपने को एक डिफरेंस नजर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, यहां पे ये CO और ये R, एंड देन फिर उसके बाद में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिलोकलाइजेशन, COR, एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर लें, तो जब ऑर्थो पोजीशन पर अटैक हो रहा है तो हमें एक हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है, जबकि ऐसा अनस्टेबल स्ट्रक्चर हमें नहीं मिल रहा कब, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन सी पोजीशन पर हो रहा है, मेटा पोजीशन पर हो रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो प्रिफर्ड पोजीशन हो गई वो कौन सी हो गई, मेटा हो गई, या इन अदर वर्ड्स मेटा पोजीशन पर अटैक होने से जो एरिनियम आयन का फॉर्मेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑर्थो पोजीशन पर जब अटैक होगा उस समय बनने वाले एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी। इसलिए ये जो ग्रुप है ये ग्रुप कैसा हो गया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। सो इन अदर वर्ड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब मैं यहाँ पे लास्ट में एक जनरल आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कैसे लर्न करेंगे बिना इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा होगा और कौन सा मेटा डायरेक्टिंग होगा। ये जितने भी ग्रुप्स हैं, मान लीजिए बेंजीन रिंग पर हम कहते हैं कि एक ग्रुप लग रहा है से एक्स वाई, ये एक अकेला जो है एटम भी हो सकता है या दो एटम से मिलकर बना हुआ ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन बेंजीन रिंग के कार्बन से जो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये लोन पेयर और ये रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्जुगेशन में है, यानी लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड और फिर क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। अगर इस तरह का ग्रुप है बेंजीन रिंग पे लगा हुआ तो वो ग्रुप कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और अगर बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लग रहा है उस ग्रुप में पाई बॉन्ड हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ले लेता हूं, जिसमें इस ग्रुप में एक पाई बॉन्ड के साथ में, एक डबल बॉन्ड के साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग रहा है,
अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी हो सकता है, सल्फर हो सकता है, तो अब यहाँ पे अगर आपको अब ये पाई बॉन्ड रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में दिख रहे हो, यानी पाई बॉन्ड फिर या यू कह लीजिए डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर क्या हो गया डबल बॉन्ड, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो ये जो ग्रुप होगा वो ग्रुप कैसा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। तो हम इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए साइनाइड, तो साइनाइड में हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर यहां लगा कर दिया कार्बन और ये क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, यानी यहां पर अनसैचुरेशन है, तो ये ग्रुप भी कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और इसी तरह से आपसे सल्फोनिक एसिड ग्रुप के लिए पूछ रहे हैं, जो मैंने पहले एग्जांपल लिखा है, तो सल्फोनिक ग्रुप में ये हो गया, अपन यू कर सकते हैं, ये हो गया SO3H ग्रुप हो गया, तो यहां भी ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो इन ग्रुप के किस तरह की डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को शो करेंगे, मेटा डायरेक्टिंग को। और इसी तरह से CHO ग्रुप हो गया, COOR हो गया, COR हो गया, ये सारे ग्रुप, या NO2 ले लीजिए नाइट्रो ग्रुप, ये सारे ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग हो गए। और ये यहाँ पर जैसे NH2, OH, NHR या हेलोजन्स अकेले, ये सारे ग्रुप जिसमें, तो याद रखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ग्रुप होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो वो ग्रुप होगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। थैंक यू।